जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एशियन तुर्की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा प्रयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में यानी भाग 30 में अब तक 796 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप फिजिकल एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। आइए हम और आप मिल करके ये फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। जी हाँ, प्रश्न नंबर 797। जॉन बर्नहार्ड वेसेदो ने किस स्कूल की स्थापना की? पहला प्रश्न है इसमें, जॉन बर्नहार्ड वेसेदो ने किस स्कूल की स्थापना की? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, आप भी लगातार तैयारी कर रहे हैं तो इन तमाम प्रश्नों का जवाब दीजिए। जॉन बर्नहार्ड वेसेदो ने किस स्कूल की स्थापना कब और कहां पर की? तो एक ही क्वेश्चन में तीन प्रश्न बन रहे हैं। बहुत जल्दीबाजी ना करें, इस वीडियो को पूरा देखिए। 10 से 15 मिनट का समय आप अपने लिए निकाल लीजिए, ठीक है ना? तो जॉन बर्नहार्ड वेसेदो ने किस स्कूल की स्थापना कब और कहां पर की थी, ठीक है ना? तो सही उत्तर क्या हुआ? फिलेंथ्रोपिनम। उस स्कूल का नाम है फिलेंथ्रोपिनम, जिस स्कूल की स्थापना जॉन बर्नहार्ड वेसेदो के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी? ये जर्मनी में की गई थी। कब की गई थी? 1774 में, ठीक है ना? तो इसको नोट भी करते चलिए। चलिए प्रश्न नंबर 798। प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है यूपी टीजीटी 2005 में। ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया। सही उत्तर विंटर बॉटम। नाम क्या है? विंटर बॉटम। विंटर बॉटम ने प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किया था, ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 799। शारीरिक शिक्षा शिक्षण मॉडल द्वारा विकसित किया जा सकता है, यानी विकास किया जा सकता है। किसका विकास किया जा सकता है? कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। किसका? कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है शारीरिक शिक्षा शिक्षण मॉडल के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 800। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय माना जाता है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय माना जाता था? चलिए सही उत्तर क्या होगा? धनुर्विद्या। जी हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय धनुर्विद्या के लिए अद्वितीय माना जाता था। चलिए ये प्रश्न टीजीटी 2004 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 801। भारत में स्थापित विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। भारत में स्थापित विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तो सही उत्तर तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए प्रश्न नंबर 802। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? जी हाँ, इसका उत्तर आना चाहिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? हम आपको भी समय दे रहे हैं, आप भी गेस करके बताइए। 700 ईसा पूर्व में। 700 ईसा पूर्व में
तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 803, इस प्रश्न को आप कई बार पढ़ चुके होंगे। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना किस वर्ष की गई? ये तो बिना ऑप्शंस के आपको बताना चाहिए। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन इसके अलावा और भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये सन बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, 1932। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना लखनऊ में 1932 में की गई। इस कॉलेज की स्थापना अमेरिकन समाज के द्वारा किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सन है। प्रश्न नंबर 804, स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन की स्थापना, स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से। स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना कब और किस देश में की गई? सही उत्तर 1954। कहां पर? भारत में। चलिए प्रश्न नंबर 805, ताराचंद कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? सन बताना है आपको, 1945, 46, 47, 48, चार ऑप्शंस मिल गए आपको। अब बताइए, ताराचंद कमेटी का गठन 1948 में किया गया था, ठीक है ना, अभ्यास कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 806, पहले एशियन गेम्स की शुरुआत किस वर्ष से हुई? बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल ये टू द पॉइंट बिल्कुल आना चाहिए, ऑप्शंस के सहारे रहना छोड़ दीजिए। पहले एशियन गेम की शुरुआत किस वर्ष हुई? सीधा सही जवाब दीजिए आप। सही उत्तर 1951। कहां से? भारत, नई दिल्ली में। चलिए प्रश्न नंबर 807, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब शुरू की गई? प्रश्न फिर से सुन लीजिए, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम किस वर्ष से शुरू की गई? सन बताना है आपको, जल्दी से बताइए, उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से। 1953। चलिए नोट करते रहिए महत्वपूर्ण पॉइंट को, ये वही प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 808, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कई बार पूछा जा चुका है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहां पर की गई? तो ग्वालियर में की गई, मध्य प्रदेश में किया गया, किस सन में किया गया, ये याद करना सबसे कठिन काम है। तो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में की गई। कई बार हम लोग पढ़ते हुए भूल जाते हैं, अभ्यास एक ही माध्यम है जिसके माध्यम से आप उसको याद कर सकते हैं, इसको एक नहीं 10 बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में की गई, ठीक है ना। तो यहाँ तीन तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 809, तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, आना चाहिए ये आपको। एनसीटीई का मुख्यालय कहां पर है? बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए, ऑप्शंस के सहारे मत रहिए, कि ऑप्शंस होता तो कर लेते, ऑप्शंस का सहारा छोड़ दीजिए। तो एनसीटीई का मुख्यालय जयपुर में है। जयपुर कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, जी हाँ। प्रश्न नंबर 810, एनसीटीई की स्थापना कब हुई? ये तो बता ही दीजिए, इसमें ऑप्शंस ना दीजिए, सन बताना है, डेट नहीं बताना है, केवल सन बताना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में,
बार बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995। पर यहां सही है कि याद भी हो जाए, पढ़ते तो हम लोग बहुत हैं, लेकिन याद होना चाहिए ना। अब तक 810 फिजिकल एजुकेशन के अब तक 810 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। अब सवाल यह है कि इसमें से याद कितना है, यह बहुत मायने रखता है। पढ़ते हम लोग तो बहुत हैं, तो इसलिए अभ्यास करते रहिए। इसीलिए मैंने केवल और केवल क्वेश्चन लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 811 लग जाइए, तैयारी कर लीजिए। प्रश्न नंबर 811 है पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है? पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है? ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया था। सही उत्तर हो जाएगा सामंजस्य का मूल्यांकन करता है, यानी कोऑर्डिनेशन का मूल्यांकन करता है, यानी समन्वय का मूल्यांकन करता है। कौन? पेनी कप टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया था, जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 812 फॉर्ट लैग प्रशिक्षण किससे संबंधित है, यानी फॉर्ट लैग प्रशिक्षण के अंतर्गत होता क्या है, इस प्रशिक्षण से किसकी माप की जाती है? तो फॉर्ट लैग प्रशिक्षण से दमखम यानी स्पीड प्ले यानी कि गति खेल किससे संबंधित है? फॉर्ट लैग प्रशिक्षण से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 813 देखिएगा, जो फॉर्ट लैग प्रशिक्षण है इस विधि द्वारा सहनशीलता दमखम यानी इंडोरेंस को विकसित किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 813 बताएं आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फॉर्ट लैग प्रशिक्षण विधि किसने विकसित किया था? फॉर्ट लैग प्रशिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है ये बताना है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फॉर्ट लैग प्रशिक्षण विधि को किसने और कब विकसित किया था? चलिए सही उत्तर है गोस्टा होमर ने कब किया था, सन भी याद रखना है, किसने किया और कब किया? 1937। नहीं याद होता तो 10 बार लिखिए, 50 बार लिखिए, लेकिन याद होना चाहिए, है ना। यही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में आते हैं। कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 814 फॉर्ट लैग प्रशिक्षण से शरीर में विकसित होता है क्या, विकसित होता है? फॉर्ट लैग प्रशिक्षण से विकसित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया था कि फॉर्ट लैग प्रशिक्षण से शरीर में क्या विकसित किया जा सकता है। सही बताएं, सहनशीलता, इसी उत्तर को सही माना गया। चलिए प्रश्न नंबर 815 स्पीड प्ले का संबंध किस प्रशिक्षण से है, क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। ये क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकंड और थर्ड में 2013 में पूछा गया था कि स्पीड प्ले का संबंध किस ट्रेनिंग से है। सही उत्तर फॉर्ट लैग ट्रेनिंग यानी फॉर्ट लैग प्रशिक्षण से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, 816 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्या है, थकावट क्यों होती है? तो इसका सही उत्तर आपने बिल्कुल जान लिया होगा, लैक्टिक एसिड इसका कारण है, थकान का कारण है लैक्टिक एसिड। चलिए प्रश्न नंबर 817 लचीलेपन को बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त गतिविधि बताइए, किस गतिविधि के द्वारा, किस एक्टिविटी के द्वारा लचीलेपन को यानी फ्लेक्सिबिलिटी को और भी बेहतर बनाया जा सकता है? सही उत्तर बताएं, कौन सी गतिविधि करनी चाहिए? सही है स्ट्रेचिंग,
स्ट्रेचिंग कीजिए और योगा कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीजीटी 2011 में और इसी को सही माना गया। चलिए प्रश्न नंबर 818, सिट अप है ना, सिट अप का उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया था कि सिट अप का उद्देश्य क्या है, क्या करता है ये सिट अप। चलिए इसके द्वारा होता क्या है कि पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना, पेट की है ना, पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना, यह है सिट अप का उद्देश्य। चलिए प्रश्न नंबर 819, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि बताइए। खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर अनुप्रेषण, अनुप्रेषण मीन्स रीडायरेक्शन, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 820, एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता किससे प्राप्त की जाती है, है ना। एरोबिक में ऑक्सीजन का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता किससे प्राप्त की जा सकती है, ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या होगा, लंबी, जी हाँ बताइए, लंबी दूरी के दौड़ से, लंबी दूरी की दौड़ से एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता प्राप्त की जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 821, शारीरिक शिक्षा का शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, बहुत जल्दीबाजी ना करें। शारीरिक शिक्षा का शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है, यही बताना है। किस शताब्दी से शारीरिक शिक्षा का शिक्षा में महत्व की शुरुआत मानी गई है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2001 में पूछा गया था। सही उत्तर 18वीं शताब्दी से शारीरिक शिक्षा का शिक्षा में महत्व की शुरुआत मानी गई है। चलिए प्रश्न नंबर 822 की तरफ, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा कब शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को किस वर्ष मान्यता दी गई। ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में पूछा गया था। सही उत्तर क्या होगा, 1882, है ना, समझ गए होंगे। 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 823, हंटर कमीशन की नियुक्ति कब हुई। बहुत प्यारा क्वेश्चन, हंटर कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, 1882। सन बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा की गई थी, है ना, लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 824, AAHPERD क्या है। तो यह एक परीक्षण है जो युवा में मोटर फिटनेस की माप करता है। ये क्वेश्चन NBS TGT 2016 में पूछा गया था। अब AAHPERD का पूरा नाम बताइए। ए से हो जाएगा अमेरिकन, ए फॉर हो जाएगा एलियंस फॉर हेल्थ, एच से क्या होगा हेल्थ, पी फॉर होगा फिजिकल, ई फॉर होगा एजुकेशन और आर से होगा रिक्रिएशन एंड डांस। ये है पूरा नाम, ठीक है ना। तो ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। और भी टॉपिक से जो भी फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक है, एक टॉपिक वाइज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना।
तब तक इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए और याद करते रहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।